बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफा बिललाह वकीला। हमने कल टॉपिक पढ़ा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का पहला हिस्सा कल मुकम्मल हो गया था और वो था जी अल्फा हेलिक्स। आज हमने प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दूसरा हिस्सा करना है और आपकी बुक ने जो हेडिंग दिया है यहाँ पे, इसने पहले हेडिंग दिया है बीटा कन्फर्मेशन, वर्डिंग है बीटा कन्फर्मेशन ऑर्गेनाइजेस पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनटू शीट्स, ये एक हेडिंग है। सिंपली इसका दूसरा नाम है जी बीटा शीट्स और तीसरा नाम है बीटा प्लीटेड शीट्स। मैंने तमाम एक लफ्ज आपकी बुक में यहाँ नजर नहीं आ रहा मुझे, मैंने तमाम जो यहाँ दिए हैं वो भी और जो बुक में नहीं दिए हुए, याद रखिए कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जरूरी नहीं होता जो चीज़ आप एक बुक में पढ़ रहे हैं वो अदर बुक में भी वैसी हो, अदर बुक्स में उसके लिए कोई और लफ्ज हो सकता है। और ये भी याद रखिए कि पेपर सेटर बाउंड नहीं है कि वो इसी बुक में से पेपर डाले, वो अगर कहीं और से भी डाल दें, चूंकि सिलेबस में और भी बुक्स रिकमेंडेड हैं, सिलेबस में बहुत सी किताबें रिकमेंडेड इसलिए होती हैं एग्जामिनर वाज का दाएं बाएं से कोई क्वेश्चन डाल देता है और जाहिर है वो अदर बुक्स में मौजूद होते हैं, बहरहाल ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो वो उसको क्लियर कर दें। अच्छा, अब इसमें मैं एक स्टेटमेंट पहले दूंगा, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट भी आपकी बुक में नहीं होगा। मैंने एक तो नाम बता दिया आपको बीटा प्लेटेड शीट और एक नाम एक फिक्स स्टेटमेंट है, बहुत आम स्टेटमेंट है जो मैं बता रहा हूँ जो कि आपकी बुक में मौजूद नहीं होगा। कल हमने पढ़ा था कि अल्फा हेलिक्स जो है वो स्प्रिंग की शक्ल में होता है, हेलिक्स स्प्रिंग को कहते हैं, स्प्रिंग की तरह से उसकी तस्वीर आप देख चुके हो। अब यहाँ पे ये तस्वीर है बीटा प्लेटेड शीट्स की या खाली बीटा शीट अगर हम कह रहे हैं इसको, अगर ये एक है हम इसको एक्सपोज कर लेते हैं, इसको उधर देखिए कैसे पड़ी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, ये चूंकि एक ज्यादा चेन मौजूद है साइड से देख रहे हैं उसको, तो ये ऐसे ऐसे पड़ी हुई है। इसको देख के आपके जहन में कोई कंसेप्ट आ रहा है, ख्याल आ रहा है, आप बता सकते हैं कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर लग रहा है आपको देखने में? और इसके लिए मुझे एक चीज और भी बतानी पड़ेगी जो अभी कल जो डायग्राम थी, क्योंकि इसमें एक पेज मिसिंग था मेरे पास, जबकि वो डायग्राम मैंने अभी डिस्कस, इसको मैं कर रहा हूँ इसको आपको डिस्कस कर दूंगा दोबारा, दोनों अगर ठीक जैसी हो जाएंगे जी। तस्वीर में आपको जो देखने से नजर आ रहा है ये कैसा लग रहा है आपके जहन में? इसको देख वेव्स की तरह से जॉब किसने दिया वेव्स वाला? नगीना जॉब दिया, ठीक है। चलें हम नगीना की बात मान लेते हैं, कम से कम उसके जहन में कोई कंसेप्ट तो आया कि ये वेव्स जैसा लग रहा है, हम बिजार वेव जैसा ही लग रहा है। लेकिन अब जरा उस लफ्ज़ पे गौर की जो मैंने कहा था कि आपकी बुक में गालिबन नहीं है, चूंकि मुझे नजर नहीं आ रहा इस पेज के ऊपर फ्रंट के ऊपर, मैंने इस्तेमाल किया है बीटा प्लीटेड शीट, यहाँ पे हेडिंग सिर्फ दिया है उसने बीटा शीट, और मैंने कहा था कि अदर बुक्स के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है और वो लफ्ज़ है जी बीटा प्लीटेड शीट। क्या प्लीट के लफ्ज़ से आप वाकिफ हैं पहले से? पी एल डब्ल्यू टी प्लीट के पहले हैं क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं? व्हाट इज अ प्लीट? इंग्लिश का लफ्ज़ है और जिंदगी पे सवाल होते हैं, एक तो होता है ना कुछ चीज़ गैर मरूफ, ये तो बहुत ही मशहूर और ये उन लफ्ज़ों में है और इंग्लिश का लफ्ज़ है चूंकि, और उन लफ्ज़ों में आता है जिसके बारे में आपने इंग्लिश में एक टॉपिक है आपका वर्ड ऑफन कन्फ्यूज, वो वर्ड जो कन्फ्यूज करते हैं जिनके स्पेलिंग मिलते जुलते होते हैं, मैं भी इसके मुतबाद लफ्ज बोलूंगा तो आपको पोंगलियाँ आ जाएंगी। बोल दो जी सब लफ्ज। प्लेट, प्लेट के हम से वाकिफ हैं? प्लेट जी, कौन सी वाली प्लेट वाला कही है मैंने? चलें स्पेलिंग है PLATE प्लेट, ये प्लेट कौन सी प्लेट हो सकती है सर? खाने वाली प्लेट जी, फर्स्ट के आप चावल खा रहे हैं फिर प्लेट पर डाले हुए हैं शुरू मारो चीज़ जी, एक तो वो प्लेट होगी। चलें आपकी क्लास में बहुत से लोगों के पास भी प्लेट मौजूद है, हाथ में नहीं बल्कि बताइए हाथ में नहीं है वो कौन सी प्लेट है जो आपके पास मौजूद है? कुछ के पास होगी कुछ के पास नहीं होगी, उसके स्पेलिंग कुछ और है, पी जो प्लेट वर्स करेंगे वो नहीं है, उसे हट के हैं पहले। और तीसरी चीज है प्लीट, जो यहां बोला था मैंने बीटा प्लीट प्लीटेड शीट, तीन लफ्ज हो गए। चलें क्योंकि आप कुछ चीजों को थोड़ा कम कम ही जानते हैं, इंग्लिश भी तो आपकी वाह ही मटी है। एक पैलेट है, पैलेट क्या ये लफ्ज पड़ा हुआ है कहीं पे? पैलेट स्पेसिफिक टू ज़ूलॉजी जी, पैलेट क्या होता है? अब पैलेट भी दो तरह के, ओरल कैविटी में जो
जी बिल्कुल, हीरा का जवाब दुरुस्त है जी, हीरा ने एक जवाब ठीक दे दिया है, वेरी गुड। ओरल कैविटी में अपर साइड के ऊपर पैलेट, उर्दू में तालू कहते हैं। चलें एक और, पैलेट्स मैंने जमा कर दिया, पैलेट्स तलफ़ुज़ का कुछ फर्क है, थोड़ा सा नोट करें कि वो कौन सा डिफरेंस है। पैलेट्स ये केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता ये है। जो पैलेट गन में होती है। चलें ठीक है, आपका ये जवाब भी ठीक हो गया जी, हीरा के दो जवाब ठीक हो गए जी, वेरी गुड। चलें अब चूंकि वो लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा, आई एम श्योर अब लोग दुपट्टा यूज करते हैं और कुछ खवातीन दुपट्टे में चुनटे डालती हैं। चुनट क्या होती है? चुनट समझते हैं, चुनटे क्या होती हैं? जी सर, फोल्ड करके। जी बिल्कुल, ऐसे ही बहुत से लोग आजकल खत्म हो गया राज, पहले जो मेल्स कमीजें पहनते होते थे प्लेट भी थे उसमें भी, उसको अनुपम में प्लेट कहते हैं, वो प्लीट होता है। आम लोग याद रखिए, आम लोग चीजों का सत्यानाश करके रख देते हैं, जिसको अनुपम में प्लेट कहते हैं, जी मैंने कमीज में प्लेट डाली है, मैंने शर्ट में प्लेट डाली है, जिसको प्लेट कहते हैं वो प्लेट होती है, प्लीट होती है, PLEAT स्पेलिंग है। ये प्लीट्स हैं, दीज आर जस्ट लाइक दैट प्लीट्स जो कपड़ों में डाली जाती हैं चुनटे, और दुधार देखने में भी लाइक रखनी है। अब दूसरा अहम पॉइंट ये है कि बीटा प्लेटेड शीट आमतौर पर तीन चेन्स, आपके सामने तीन चीजें, तीनों याद, ये देखिएगा, ये जो सिरप देख रहे हैं, ये वाली भी, इसमें ये तीन चेन्स हैं जो इकट्ठी पड़ी हुई हैं और बीटा प्लेटेड शीट की शक्ल में। इसके आगे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसमें इस्तेमाल किया है एंटी पैरल। अब एंटी पैरल का मतलब है ये सी टर्मिनल है, ये एन है, ये सी है, अगर ऐसा है तो ये एंटी पैरल, अगर तीनों के सी एक तरफ हों और एन एक तरफ हो तो वो पैरल है, वो कहलाएगी पैरल। ये है जी। अच्छा अब अभी भी कहा था कि एक पॉइंट मिस हो गया गालबन से, चूंकि वो पेज मिसिंग था और गालबन उस पेज पे नहीं है वो वाला। जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि तीन शीट्स इकट्ठी पड़ी हुई हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स, और ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर बना रही है। बिल्कुल ऐसे ही कल हमने पढ़ा था अल्फा हेलिक्स, बहुत सी प्रोटीन ऐसी हैं जिसमें वहाँ भी तीन चेन इकट्ठी स्ट्रिंग की शक्ल में मौजूद होती हैं, यानी वो ट्रिपल हेलिक्स होता है असल में, ऐसे ही यहाँ पे। अच्छा अब एक छोटा सा स्टेटमेंट है, ये चेक करना पड़ेगा आपकी बुक में है कि नहीं है, आपने खुद देखना है इसको। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत मशहूर मारूफ चीज़ है। कल हमने सिर्फ ये जिक्र किया था जी कि ये अल्फा हेलिक्स केराटिन में, सिर्फ केराटिन का नाम लिया था। याद रखें केराटिन के अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर स्पाइडर सिल्क। आई एम श्योर कि आप स्पाइडर के नाम से वाकिफ हैं, स्पेशल वन जॉलॉजी पढ़ी हुई है, स्पाइडर कपता है तो भूल गया, स्पाइडर भूल गया, मकड़ी या पता है, दोनों आ जाएंगे उसमें। उनका अपने जाला भी देखा होगा, मकड़ी का जाला जो है जी, वो जिस चीज से बना हुआ है वो स्पाइडर सिल्क कहलाती है या कहलाता है, जो भी आप उसको कहें, और वो भी डेफिनेटली इसी तरह से तीन चेन के मिलने से बनी होती है। अच्छा अब जो स्टेटमेंट मेरा है, वूल, आई एम श्योर सब लोग जानते हैं व्हाट इज वूल, WWL वूल क्या होती है? जी सर, जी सर, पता जी, वूल का पता है सबको, चलो शुक्र है जी। चले अब ये बताइए कि रेशम के कीड़े का नाम सुना है, रेशम का कीड़ा, जी सर, और उससे हासिल होता है जी सर रेशम, उस रेशम से कपड़े बनते हैं, इसको रेशम के कपड़े कहते हैं। रेशम को इंग्लिश में सिल्क कहते हैं, रेशम को इंग्लिश में सिल्क कहते हैं। अब असली सिल्क देखा है किसी ने? आजकल चूंकि सिंथेटिक ज्यादा आ रहे हैं, असली सिल्क ज्यादा रेशमी होता है और ज्यादा महंगा होता है, और जो सिंथेटिक है वो सस्ता होता है। पहले याद रखिए जो सिल्क है, सिल्क फाइबर्स अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इसने लफ्ज इस्तेमाल किया, यहाँ पे देखिएगा ये लफ्ज है जी सिल्क फिब्रोइन, जो सिल्क फाइबर है उसके लिए ये लफ्ज है टेक्निकल फिब्रोइन, और ऐसे ही स्पाइडर फिब्रोइन और स्पाइडर वेब्स हैव अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन रेसिड्यूज। बहरहाल ये इसने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब जहाँ जो मैं चिताने लगा हूँ, दोबारा नोट कर लीजिएगा, अब होता हूँ पॉइंट है कि जो वूल होती है, मैं वूल की तरफ जा रहा हूँ, वूल ऊन, ऊन असली ऊन वो है जो मशहूर अखबारों को हमारे यहाँ अवेलेबल, जो भेड़ से हासिल होती है। सब लोगों ने भेड़ शीप देखी हुई है, शीप के ऊपर बहुत लंबे सी बड़े बड़े बाल होते हैं, उनको काट देते हैं और उससे वूल तैयार की जाती है। उस वूल से हमारे यहाँ स्वेटर्स और जर्सियाँ वगैरह तैयार की जाती हैं। जब तक तो वूल शीप पे लगी हुई है तब तक तो वो स्ट्रेट है, सीधी है। जब उसके वो बुनाई करते हैं, अपने आजकल राज खत्म हो गया, शायद अब में से किसी ने किसी फीमेल को स्वेटर बनाते देखा हो सिलाइयों के साथ, खुद हाथ से मैकेनिकली देखा किसी को? जी सर, जी सर। अब उसमें जब वो सिलाई कर रहे होते हैं, बुनाई कर रहे होते हैं उसकी वूल की, तो वो उसमें खिंचाव आ जाता है, उस खिंचाव से उसका अल्फा हेलिक्स बीटा शीट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा अब वापस आना पड़ेगा हमें इस डायग्राम को देखने के लिए जो इससे पहले है ऊपर है। यहाँ बहुत गौर से देखना आपने, आपको ये एक शीट है उसके,
नीचे दूसरी शीट है, उसके नीचे तीसरी शीट है, इनके दरमियान में आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा, मैं जहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आप महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज हो सकती है, क्या मौजूद है, ये भी है, इधर ये है, इधर ये है, महसूस हो रहा है कुछ की नहीं महसूस हो रहा? जी सर। क्या महसूस हो रहा है, क्या चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट सर, ये जो डॉट्स हैं। हाँ जी डॉट्स हैं, लेकिन ये कुछ डॉट के अंदर भी कुछ और लगा हुआ है, यानी ये इसमें एटम क्या बना हुआ है, दोबारा बताएं। बाउंड खास का नाम बताना पड़ेगा। चलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नहीं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की गई है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और ये साइड्स के ऊपर है, चूंकि इसमें खिंचाव पैदा हो चुका है, उस खिंचाव की वजह से वो जो हेलिक्स के अपने बॉन्ड थे वो टूट गए हैं और जो साथ वाली चेन है उनके साथ ये अटैच हो गए हैं और वहां पे ये बहरल ये है जी वो सेकंड मशहूर स्ट्रक्चर जिसको बीटा प्लीटेड शीट का नाम दिया जाता है, जिसको आप ज़िगज़ैग कह लें, प्लीट्स कह लें, जो भी नाम देना चाहें, और इसमें बहुत एडजस्टमेंट चेन्स के दरमियान में बहुत हार्ड बॉन्ड होने की वजह से ये स्टेबल होता है। यह है जी दूसरा हिस्सा हमारा इस टॉपिक का, और पहला टॉपिक था अल्फा हेलिक्स और आज इसका दूसरा हिस्सा हो गया जी बीटा प्लीटेड शीट्स। हमारे दो हिस्से मुकम्मल हो गए, हम जा रहे हैं इसके तीसरे हिस्से की तरफ। यह अगला टॉपिक आ गया आपके सामने, बीटा टर्न्स आर कॉमन इन प्रोटीन्स। इसने फिर सवाल किया है बीटा टर्न्स, अब एक बार फिर सुन लीजिए, मैं पहले कह चुका हूं कि डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट बुक बाज का एक ही चीज के लिए डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, अब एक बुक में है दूसरी में वो नहीं हो सकती। जिस चीज को इसने बीटा टर्न का नाम दिया है, कुछ किताबों ने खाली टर्न कहा होता है, कुछ लोग उसको रिवर्स टर्न कहते हैं, और कुछ किताबें कुछ ऑथर उसको बेंड का नाम देते हैं। दोबारा सुन लीजिए, वो लफ्ज जो आपकी बुक में मोटा सा करके लिखा हुआ है बीटा टर्न, अब जिस चीज को इसने बीटा टर्न का नाम दिया है, इसी के लिए अदर ऑथर्स जो हैं वो रिवर्स टर्न, खाली टर्न या बेंट, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जब इसकी डायग्राम सामने आएगी तो ये क्लियर हो सकेगा, एक चेन सीधी जा रही है, कोई भी चेन हो सकती है, अचानक वो फोल्ड हो गया, हाँ वो अल्फा हेलिक्स थी या वो बीटा शीट थी, वो इसने तो ये कहा है कि 180 के एंगल पे, जरूरी नहीं होता कि 180 का एंगल कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन काफी बड़ा एंगल होगा जिस पे वो फोल्ड हो सकती है। अब इसकी जब डायग्राम हमें नजर आएगी तो फिर मैं बता सकूंगा जी कि यहाँ पे इसने कोई डायग्राम दी हुई है, तो जी बिल्कुल है जी। इसकी जो डायग्राम है, इसने तो उसको वाकई 180 पे फोल्ड कर दिया, उसको 180 ही कहूंगा, ये यूं समझिए कि चेन इधर से आ रही थी, यूं यहां से ये फोल्ड हो कैसे हो गई है, ये चेन जो इधर से यूं समझिए, उनमें जो फॉलो करना आपने, हम यहां से आ रहे हैं चेन के साथ साथ, ये चेन इधर को गई है और इधर से यहाँ पे फोल्ड हो गई। अब ये इसमें सी अल्फा और सी अल्फा, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये दो माइनसड है जिनके दरमियान में ऐसा हुआ है, और यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कुछ सर, हाइड्रोजन बॉन्ड सर, वही हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको देखें गौर से देखिए इसको जरा, क्या ये वाकई हाइड्रोजन बॉन्ड है, कुछ और है, गौर से देखिए, जी ठीक है जी। चलिए अब अगर गौर से देखें कि एक चेन सीधी जा रही थी, वो अचानक मुड़ गई है, वो अचानक ऐसे मुड़ गई है कि वो अपने ऊपर फोल्ड हो गई है, यानी इतनी ज्यादा मुड़ गई है कि चेन अपने ऊपर फोल्ड हो गई है, अब उसकी वजह क्या होगी। इसमें चूंकि इसने नाम नहीं लिखे हुए हैं, अगर नाम लिखे हुए होते,
क्या हुआ जी द्वारा बोले आपकी बात क्लियर नहीं हुई, आपने क्या पूछा है, ये क्या कहा है? नहीं सर वैसे वो बात कर रही थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है जब ये टर्न हुई है। हाँ जी हम उस तरफ जाने लगे। चलें आप दोबारा गौर कीजिएगा, इसने जो कि लिखा नहीं हुआ है उसको शो करना चाहिए था। इसमें ग्लाइसिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्लाइसिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, चूंकि हम ग्लाइसिन ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। अगर ग्लाइसिन ऐसे आ जाए कि नंबर वन भी ग्लाइसिन हो, अमांशुल की बात हो रही है, नहीं ये फिर उसके नंबर वन है, ये टू है, ये थ्री है, अगर ग्लाइसिन करीब आ जाए दो, बिल्कुल दरमियान में एक गैप हो सिर्फ, तो वो दोनों इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं कि उनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं और उसके नतीजे के तौर पर एक रिवर्स टर्न या बेंड जो है वो पैदा हो जाता है। इसके आगे इसने फर्दर टाइप्स दी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारा टॉपिक इतना लेंथी हो चुका हुआ है कि अगर हम उस डिटेल में और चले जाएंगे तो ये और लंबा हो जाएगा, चूंकि अभी हमें इसको थोड़ा सा और भी देखना है। इसकी समरी भी दी हुई है इसने आगे, नहीं ये आगे कुछ और सी आ गई है जी, बस ठीक हो गया। याद रखिए हमने कल शुरू किया था अल्फा हेलिक्स, आज हमने पढ़ा है बीटा प्लीटेड शीट्स और उसके बाद हमने पढ़े हैं टर्न्स। अब इन तीनों को मिला के हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बना है। अब ये क्वेश्चन चूंकि काफी लंबा हो चुका हुआ है, इसमें बहुत सी चीजें दी हुई, तो एक फार्मूला फॉलो कर लें, इसमें से ये बना लें, ये बना लें, कम अज कम एक जो है सेपरेट इतनी डीप डिटेल में क्वेश्चन जरा कम कम ही आए हुए हैं। बहरहाल मैंने इस हद तक ये कर दिया है कि ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से आपका कंप्लीट हो गया है जी। अब इसमें कुछ चीजें जो इसने एंड पे दी हैं, कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड एंगल्स एंड अमाइनो एसिड कंटेंट्स। ये टॉपिक भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, ये बिल्कुल उसी लेवल का टॉपिक है। चलें अगर गौर कीजिए, इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो इंडिकेट कर रहा है कि प्रोटीन में जो चीज स्ट्रक्चर बार बार पाया जाता है वो या तो अल्फा हेलिक्स होती है या बीटा प्लेटेड शीट्स मौजूद होती है, और कहीं कहीं पे जाके इसमें टर्न्स वगैरह मौजूद होते हैं। मसलन एग्जांपल दे रहा है जी, कोलेजन एक एग्जांपल दिया, और भी प्रोटीन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे ऊपर अदर प्रोटीन्स। अब पीछे भी जिक्र आया था और मैंने कहा था कि आपकी बुक में कोई डायग्राम क्लियर नहीं बनी हुई है जिसमें बॉन्ड एंगल्स, वैसे ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आया हुआ, लेकिन कम अज कम आपको इसकी बेसिक्स मालूम होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि इसने एंगल का जिक्र कर दिया है, उसकी डायग्राम ड्रा नहीं की हुई है। मुझे किसी और बुक से डायग्राम सेंड करनी पड़ेगी, आपको टाइम मिलेगा मुझे संडे को टाइम मिल सकेगा जी, मैं आपको डायग्राम चेक करके जो ये एंगल्स हैं जो कि पाए जाते हैं अमाइनो एसिड्स के दरमियान में प्रोटीन चेन के अंदर, उसकी डायग्राम आपको सेंड कर सकूँ। आप भी सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं, नेट से मिल सकते हैं आपको, मैं नेट की बजाय अपनी बुक से कोशिश करूँगा कि उसको फाइंड करके भेज सकूँ जी। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है ना, ग्लाइसिन की अहमियत की बात हो रही है। ग्लाइसिन जो है वो बहुत सी किस्म की कन्फर्मेशन चेंजेस में हिस्सा ले सकता है और ये वो कुछ कर सकता है जो अदर अमाइनोसाइट नहीं कर सकते, इसी वजह से ग्लाइसिन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सी सब में अल्फा में भी और बीटा शीट्स में भी और बैंड्स के लिहाज से भी। एनी हो यहाँ पर इसने समरी के अंदर कुछ पार्ट दिया जी, वो याद रखिएगा मैं पहले कह चुका हूँ कि समरी बहुत बहुत ही मुख्तर होती है समरी, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मसलन ये इसने जो पहले वाला पॉइंट दिया है, ये इसको मैं इसकी डेफिनेशन कह सकता हूँ, ये लेंजर की वर्डिंग है याद रखिएगा, मुख्तलिफ ऑथर्स की वर्डिंग मुख्तलिफ हो सकती है, इसको पेट डेफिनेशन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहर इसकी वर्डिंग है जी। सेकंड स्ट्रक्चर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इन अ सेगमेंट ऑफ पॉलीमर चेन इन व्हिच ईच रेसिड्यू इज स्पेशली रिलेटेड टू इट्स नेबर्स इन द सेम। अब वो सेम वे अल्फा हेलिक्स में है तो वो स्प्रिंग की शक्ल में है, बीटा शीट की शक्ल में है तो फ्लूइड्स की शक्ल में है। मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर अल्फा हेलिक्स, बीटा कन्फर्मेशन एंड बीटा टर्न्स। अब ये नामों का मैं बात कर चुका हूँ आपने। और लास्ट है जी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट कैन बी कम्प्लीटली डिफाइंड इफ द फाई एंड साई एंगल्स आर नोन फॉर ऑल अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इन दैट सेगमेंट।
अब चूंकि इसमें कोई भी क्लियर डायग्राम नहीं है जो इन एंगल को क्लियर कर रही हो, ये बॉन्ड एंगल्स हैं मुख्तलिफ कांस्टेंट जो आपस में जुड़े होते हैं उनके रेफरेंस से जो डायग्राम मुझे मिलेगी जो प्रॉपर, तो फिर मैं आपको उसको सेंड कर सकूँ। बहरहाल इसके साथ ही मेरे ख्याल में ये वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया, शायद हमारा टाइम हमारा ऊपर हो गया जी। आप लोगों ने मुझे याद नहीं कराया था आज फ्राइडे है, टाइम इज ओवर, इसलिए जी अब अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।